माय चैनल गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉन्ड्स टेलकम पाउडर फेस पैक। यस गाइस, अगर आप इस पाउडर का फेस पैक बना के अपने फेस पे यूज करते हैं तो आपके फेस पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको डार्क स्पॉट हैं, डलनेस हैं, डार्क सर्कल्स हैं, आपकी स्किन अनइवन स्किन टोन में है, या फिर आपको झुर्रियाँ हैं, पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, एक्ने हैं, फाइन लाइंस, जो भी आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी खत्म हो जाएंगी। अगर आपका रंग कोयले जैसा काला है, यस गाइस, अगर आपका रंग कोयले जैसा काला है तो एक रात में ही आपका रंग दूध के जैसा गोरा हो जाएगा। यस, लेकिन गाइस आई एम रियली सॉरी, ये दावा मैं नहीं कर रही हूँ, ये दावा कर रही हैं कुछ वायरल वीडियोस जिनमें बोला जा रहा है कि आप पॉन्ड्स टेलकम पाउडर को एज अ फेस पैक अपने फेस पे यूज़ कीजिए और आपका फेस बहुत ही प्यारा, बहुत ही ग्लोइंग, बहुत ही शाइनी हो जाएगा और आप एक रात में बहुत काले से बहुत ही कोरे हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या सच में इस पॉन्ड्स पाउडर से आप बहुत काले से बहुत गोरे हो सकते हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरे पास है पॉन्ड्स पाउडर जिससे गोरे होने का दावा किया जाता है। तो गाइस, वायरल वीडियोस में बोला जाता है कि आपको 2 टेबल स्पून जितना ये पाउडर लेना है और आपको इसमें लेमन ऐड करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लेमन में होती हैं कुछ ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ जो आपके स्किन के टोन को 1 से 2 शेड लाइट कर देती हैं। एंड गाइस, जो 3rd इंग्रेडिएंट हमें यूज़ करने बोला जाएगा वो है रोज़ वाटर। तो वायरल वीडियोज़ में बोला गया है कि आपको 2 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड करना है और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। तो बताए गए तरीके से मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड किया है और अब मैं इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। एंड गाइस, आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा डार्क हो गया है, वाइट कलर में ये नहीं रहा है, अब हल्का सा ग्रीन या ब्लैक जैसा कलर कुछ हो गया है और अब मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। एंड गाइस, अप्लाई करने के जस्ट 1 मिनट भी मुझे नहीं हुआ है और मुझे फेस पे बहुत जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, जस्ट मैंने फेस वॉश कर लिया है। ट्रस्ट मी गाइस, इसको अप्लाई करने से मेरे फेस पे काफ़ी जलन हो रही थी और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हल्का सा अपने फेस पे इसको लगा के देख सकते हैं कि सच में इसको अप्लाई करने से फेस पे जलन, खुजली जैसा आपको फील होने लगेगा। तो अब मैं इसको अपने हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ देखने के लिए कि सच में हाथ पे भी यूज़ करने से जलन जैसा या खुजली जैसा कुछ फील होता है। तो जी नहीं गाइस, जब मैंने इसको अपने हाथ पे अप्लाई किया तो मुझे कोई भी जलन, कोई भी खुजली, कुछ भी रेडनेस फील नहीं हुआ। एंड फ्रेंड्स, वायरल वीडियोस में आपको अपने फेस पे अप्लाई करके नहीं दिखाया जाता है, वो आपको अपने हाथ पे ही अप्लाई करके दिखाते हैं। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे पॉन्ड्स टेलकम पाउडर फेस मास्क तो आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो गाइस, वो लोग आपको अपने फेस पे अप्लाई करके क्यों नहीं दिखाते हैं, आपने कभी ये सोचा है क्या? तो वो नहीं चाहते हैं अपना फेस ख़राब करना, वो चाहते हैं आपको बेवकूफ़ बनाना और मनी अर्न करना। आप लोग वो वीडियोस देखते हैं और उनको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है उन वीडियोस से, जो कि आपके किसी भी काम की नहीं है, आपके लिए बहुत हानिकारक हैं। तो गाइस, सिंपली से मैंने यहाँ पे अपना हैंड वाइप कर लिया है जैसा कि वायरल वीडियोज़ में बोला जाता है और यहाँ पर मैंने बेड टॉवल से वाइप किया है जैसा कि वहाँ दिखाया जाता है। और अब आप मेरे दोनों हाथों में डिफरेंस देख सकते हैं, एक हाथ हल्का गोरा, एक हाथ हल्का काला लग रहा है। और गाइस, ये देखिए, जिस हाथ पे हमने ये मास्क लगाया था उस हाथ पे अभी भी इसके पार्टिकल्स रह गए हैं। और अब मैं इसको गीले टॉवल की हेल्प से वाइप करूँगी। एंड यस गाइस, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। अगर सच में आपको अपना स्किन का टोन 1 से 2 शेड लाइट करना है तो सिंपली से आप हल्का सा पाउडर लीजिए और अपने हाथ पे अप्लाई कर लीजिए या अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। आपको उसमें लेमन ऐड करने की कोई भी नीड नहीं है। और अब आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों का कलर सेम हो गया है। और अब मैं गीले टॉवल की हेल्प से दोनों हाथों को वाइप कर लूँगी और फिर हम देखेंगे कि जिस हाथ पे हमने मास्क लगाया था क्या सच में उसका कलर अभी तक लाइट ब्राइट है या नहीं। सो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि इसको अप्लाई करने से मेरे दोनों हाथों में कोई भी डिफरेंस आया है। और गाइस, मैं इसको लाइफ टाइम कभी भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ।
सो गाइस, इस पॉन्ड्स पाउडर को यूज़ करने से कोई भी बहुत काले से बहुत कोरा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता है कि इससे इतना सा भी फ़र्क आपकी स्किन पे पड़ेगा अगर आप इसे एज अ फेस पैक अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। एंड गाइस, अगर आपको अपना फेस हल्का सा फेयर दिखाना है तो सिंपली से आपको इसे लेना है और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, दैट्स इट। ऐसा करने से आपका फेस एक से दो टोन लाइट हो जाएगा और जब आप फेस वॉश करेंगे तो वो आपका जो भी रियल कलर है वो वापस आ जाएगा। सो गाइस, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इस तरीके की कुछ भी चीज़, कुछ भी प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ ना करें। लाइक फेयर लवली हो गया, लेमन में मिला के बोलते हैं अप्लाई करने को तो बिल्कुल भी ना करें। कॉलगेट हो गया, कॉलगेट को भी बोलते हैं कि लेमन में मिला के यूज़ कीजिए। प्लीज़ गाइस, आप ऐसी कोई भी चीज़ अपने फेस पे मत अप्लाई कीजिए। गाइस, मैं आपको यही बोलूँगी कि वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लगाने से आप एक रात में बहुत काले से बहुत गोरे हो सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप सच में गोरे होना चाहते हैं तो बहुत सारी होम रेमेडीज़, बहुत सारी DIY हैं जिनको यूज़ करके आप अपना नेचुरल कलर, जो आपका रियल कलर है, उसको वापस ला सकते हैं। गाइस, एक्चुअली होता ये है कि जब आप न्यूली बॉर्न होते हैं तो आपका कलर बहुत गोरा होता है, बहुत प्यारा सा होता है और आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वो जो आपका रियल कलर है वो धूल धूप डर्ट की वजह से कहीं दबता जाता है। तो अगर आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो आप गोरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत काले हैं और बहुत गोरे हो जाएं, तो आई एम रियली सॉरी गाइस, आपका दिल तोड़ने के लिए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एंड गाइस, मैंने आपके साथ एक मलाई वाली रेमेडी शेयर की है, उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि उनको इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जस्ट होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए एंड ख्याल रखिए, और इस तरीके की कोई भी चीज़ अपने फेस पे यूज़ मत कीजिए। इन केस गाइस, अगर आपको लग रहा हो मैंने कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया है तो उसके लिए रियली सॉरी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।